हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नोटिफिकेशन अर्थात एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जो भी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। सब आज की जो इस वीडियो में होगा उसके अंदर बताया जाएगा कि एक्सट्रेंस एग्ज़ाम कैसे लगेगा, नर्सिंग के एडमिशन नर्सिंग के अंदर एडमिशन कैसे लेते हैं, नर्सिंग के अंदर जो है एक्सट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी डेट कैसे लगती है, सॉरी कौन से मंथ में लगती है, कब लगती है। ठीक है, सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ऑल डिटेल ऑफ द नर्सिंग। नर्सिंग एडमिशन यानी कि नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कब होते हैं, इन सारी डिटेल मिलेगी। तो सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें हैं और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइबर करें। चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नर्सिंग के एडमिशन का जो डिटेल लेने से पहले सबसे हम देख लेते हैं ऑल एम्स फॉर द नर्स यानी कि जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कराती है उनके लिए कौन कौन सी एम्स होती है, जहाँ पर क्या होता है गवर्नमेंट नर्सिंग की जाए। सबसे पहले देख लेते हैं दिल्ली एम्स, यानी कि सबसे पहले भी वो एम्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी एम्स होती हैं जहाँ पर हमें एक्सट्रेंस एग्ज़ाम देकर कॉलेज मिलते हैं या फिर गवर्नमेंट नर्सिंग की जाती है। सबसे पहले देख लेते हैं, फर्स्ट होती है दिल्ली एम्स, दूसरी चीज़ होती है भोपाल एम्स, तीसरी होती है भुवनेश्वर एम्स, चौथी होती है जोधपुर एम्स, फिफ्थ होती है पटना एम्स, सिक्स्थ होती है ऋषिकेश एम्स और सेवन्थ रायपुर। यानी कि ये एम्स होती हैं, ये क्या करती हैं गवर्नमेंट नर्सिंग करवाती हैं अर्थात एक्सट्रेंस एग्ज़ाम देकर क्या होता है इनके अंदर एडमिशन लेते हैं। तो इन सभी की जो एक्सट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो नर्सिंग के इन एम्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए का क्या करते हैं, हमारे जो एग्ज़ाम लगते हैं, सबसे पहली चीज़ यानी कि जितनी भी एम्स होती है इन एम्स के लिए नर्सिंग एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम द दिसंबर 2020 यानी कि दिसंबर के अंदर क्या हुए थे जो एग्ज़ाम थे वो स्टार्ट हो चुके थे एंड लास्ट डेट सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, यानी कि अभी भी जो लास्ट डेट और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी इसकी लास्ट डेट थी और इसका जो एग्ज़ाम होगा यानी कि जो भी एक्सेंस एग्ज़ाम होगा वो 27 जून 2021 यानी कि तो इस तारीख को क्या होगा जितनी भी एम्स होती है उनके नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देख लेते हैं हमें दूसरी कॉलेज आते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कॉलेज, यानी कि जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कॉलेज है उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कब इसके एग्ज़ाम होते हैं, ये सारी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज कॉलेज होती हैं वो बेटर सर्विस कहाँ पे मिलती है, पुणे में बेटर सर्विस मिलती है, दिल्ली में बेटर सर्विस मिलती है, सॉरी दिल्ली में बेटर सर्विस मिलती है, पुणे में बेटर सर्विस मिलती है, कोलकाता में, मुंबई में, लखनऊ, बेंगलोर, यानी कि ये क्या होता है जो मिलिट्री नर्सिंग कॉलेज होते हैं जहाँ पर बेटर सर्विस दी जाती है। तो जो भी इस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुके हैं सेकेंड वीक ऑफ द जनवरी, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ द जनवरी के अंदर क्या होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं और जो इसकी डेट होती है यानी कि एग्ज़ाम डेट होती है सेकेंड वीक ऑफ द मार्च, यानी कि जो एग्ज़ाम डेट होती है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कॉलेज की इसका जो एग्ज़ाम डेट होता है वो क्या होता है सेकेंड वीक ऑफ द मार्च, यानी कि मार्च के सेकेंड वीक के अंदर लगभग इसका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद देख लेते हैं जो अगली हमारी कॉलेज होता है जिम्पर, यानी कि जिम्पर क्या होता है एक कॉलेज है, इसका क्या होता है जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो 2 अप्रैल के अंदर निकलेगा, यानी कि अप्रैल 2021 के अंदर क्या होगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा और जो इसका एक्सटेंस फॉर्म होगा वो जून 2021 के अंदर निकलेगा। ओके गाइज, उसके बाद देख लेते हैं हम अगली कॉलेज देखते हैं लेडी हर्डिंज मेडिकल कॉलेज, यानी कि लेडी हर्डिंज मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या होता है यह भी एक नर्सिंग कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है। इसके अंदर क्या होता है जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं यानी कि इस कॉलेज के जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे या मई या जून, यानी कि या तो मई में या जून में, निकलेंगे और जो एक्सट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो लास्ट वीक ऑफ द जून, यानी कि लास्ट वीक ऑफ द जून के अंदर क्या होगा इसका एक्सट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो गवर्नमेंट नर्सिंग के लिए जो भी अप्लाई करते हैं वो करते हैं VMMC कौन, RML कौन, हिंदू राव कौन, कस्तूरबा हॉस्पिटल, ST स्टीफन हॉस्पिटल, लक्ष्मीबाई बत्रा हो कौन, ठीक है ये चीज़ें होती हैं। इनके अंदर भी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं इनके अंदर गवर्नमेंट नर्सिंग की जाती है, तो इनके जो भी इन सभी चीज़ों के जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो कब निकलते हैं अप्रैल के अंदर इंडिया के इनके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं और जो जैसे ही अप्रैल के अंदर इनके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं तुरंत जो इसके एग्ज़ाम होती है 4th वीक ऑफ द अप्रैल यानी कि लास्ट अप्रैल के अंत में या फिर 4th वीक ऑफ द अप्रैल के अंदर क्या होता है इनका एग्ज़ाम होता है। ओके, बाद अगली चीज़ दे लेते हैं AVUN यानी कि अवैवाहिक कॉलेज,
अभेबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यानी कि अभेबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इनका फॉर्म कब निकलता है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा जून, यानी जून के अंदर क्या होगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, और जो एक्सटेंस एग्जाम होगा लास्ट वीक ऑफ द जून, यानी जैसे ही जून के अंदर इसका का एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है उसके बाद लास्ट वीक ऑफ द जून, यानी जून के लास्ट वीक के अंदर क्या होगा इसका एक्सटेंस एग्जाम होगा। उसके बाद देख लेते हैं जो अगली जो कॉलेज है, यानी कि अगली जो मेडिकल कॉलेज है या फिर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो क्या होगी, होली फैमिली, यानी कि होमली फैमिली भी क्या होती है एक मेडिकल रिलेटेड, जिसके अंदर क्या होता है गवर्नमेंट नर्सिंग कराई जाती है, अर्थात गवर्नमेंट की तरीके से नर्सिंग कराई जाती है। इसके क्या होता है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो क्या होता है मई टू जून, यानी कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कब निकलेगा, मई या जून, यानी कि मई या जून में क्या होगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, मई या जून में इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा मिड जून, यानी कि मिड जून के अंदर क्या होगा इसका एग्ज़ाम लगेगा। ओके गाइज, ये छोटी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि जो इसके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कब निकलते हैं और कब इनकी एग्ज़ाम डेट होती है। तो सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके अंदर जब भी नर्सिंग के एडमिशन, यानी कि बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं ये कॉलेज, और इनके अंदर एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं, इन सभी कॉलेजों के एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं, एक्सेंस एग्ज़ाम कब लिखते हैं, ये कब लगते हैं, ये सारी डिटेल इसके अंदर बताई गई।